धोनी ने जिस दिन जिताया था वर्ल्ड कप उसी दिन होंगे पद्म भूषण से सम्मानित। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मंगलवार को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान 6 खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार से नवाजेंगे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में शाम को 6 खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित। खास बात यह है कि धोनी को उसी दिन यह सम्मान दिया जा रहा है जिस दिन उन्होंने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था। भारत ने 28 साल बाद वह वर्ल्ड कप हासिल किया था। माही ने वांगेड स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में नुवानकुला से कारा की बॉल पर जोरदार छक्का लगाकर लाखों फैंस का सपना पूरा किया था। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल पहुंची। टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। श्रीलंका ने महिला जयावर्धने की 103 रनों की पारी की मदद से 274 रन बनाए। टीम इंडिया ने 275 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए इतिहास रच दिया। भारत ने शुरुआत में वीरेंद्र सहवाग 0 और सचिन तेंदुलकर 18 के विकेट भले ही जल्दी गंवा दिए, लेकिन गौतम गंभीर क्रीज पर टिके रहे और 97 गेंदों पर 122 रनों की शानदार पारी खेली। गंभीर ने तीसरे विकेट के लिए विराट 35 के साथ 83 रनों की साझेदारी भी की। तभी भारत को चौथा झटका लगा। धोनी ने सभी को हैरान करते हुए युवराज सिंह की जगह खुद क्रीज पर आने का फैसला किया। धोनी 91 ने गंभीर के साथ 109 रनों की पार्टनरशिप की और भारत को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। धोनी ने अपने खास स्टाइल छक्के से भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। पूरा देश आज वर्ल्ड कप की 7वीं सालगिरह मना रहा है। क्रिकेट खिलाड़ियों ने भी कभी ना भूलने वाली उस रात की तस्वीरें शेयर की हैं। वहीं BCCI ने भी उसे ऐतिहासिक छक्के का वीडियो शेयर किया है।